हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट मास्टर्स लर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू सी प्रैक्टिस सेट 8.1। इसके पहले की वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने देखा था। क्वाड्रिलेटरल में चार कंडीशन वहाँ पे दिया हुआ था। फर्स्ट कंडीशन में जब तीन साइड्स के लेंथ दिए हुए हों और एक डायगोनल दिया हुआ है तो कैसे हम ड्रॉ करते हैं। फिर दो साइड्स दिए हुए हों और उसके एंगल्स दिए हुए हैं तो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके से बहुत तीन चार कंडीशन हमने देखा था और हमने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन पर दिया गया, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 8.1 जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एम ओ आर ई, जिसमें लेंथ एम ओ 5.8 दिया हुआ है, 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ ओ आर दैट इज़ 4.4 सेंटीमीटर, एंगल एम 58 डिग्री, एंगल ओ 105 डिग्री, एंगल आर 90 डिग्री, इस तरीके से दिया हुआ है। कैसे हमें ड्रॉ करना है वो हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने के पहले सबसे पहले उसका रफ़ डायग्राम हम बनाते हैं। तो पहले हम रफ़ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एम ओ आर ई, एम ओ आर ई दिस इज़ क्वाड्रिलेटरल, आई मीन एट, एम ओ दिस इज़ 5.8, लेंथ ओ आर 4.4, 105 डिग्री, एंगल आर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री स्ट्रेट रहेगा, लेंथ ऑफ ओ आर 4.4 डिग्री, एंगल एम 58 डिग्री। अभी यहाँ से 58 डिग्री मतलब इस तरीके से ये इनसाइड में जाएगा। ये 58 डिग्री, तो इस तरीके से ये 4.4, एम ओ का लेंथ जो है 5.8, यहाँ पे ये 5.8 है, लेंथ ओ आर 4.4 दिया हुआ है, एंगल एम 58 डिग्री, एंगल ओ 105 डिग्री, एंगल आर 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हम देख लेते हैं डायग्राम। एंगल ओ आर 4.4 डिग्री, सबसे पहले बेस ड्रॉ करते हैं ओ आर। ओ आर 4.4 सेंटीमीटर, दिस इज़ द बेस। नेक्स्ट एंगल ओ 105 डिग्री, यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 100 की साइड में 105 डिग्री इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द, दिस इज़ 105 डिग्री, प्रोटेक्टर के थ्रू हमने ड्रॉ कर लिया। ओ पे प्रोटेक्टर रख के वहाँ से 105 डिग्री ड्रॉ करोगे। अब पॉइंट ओ पे का और आर्क हमें ड्रॉ करना है 5.8 सेंटीमीटर का, यहाँ पे रख के 5.8 सेंटीमीटर का इस तरीके से हम आर्क एक ड्रॉ करेंगे। दिस इज द पॉइंट एम, दिस इज 5.8 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ किया, दिस इज पॉइंट एम। नाउ पॉइंट मेजरमेंट ऑफ एंगल एम कितना है, 58 डिग्री है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 58 डिग्री, यहाँ पे ये हम इस तरीके से रखेंगे जो प्रोटेक्टर, तो यहाँ पे स्ट्रेट होगा 90 डिग्री, तो 58 डिग्री ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। 58 डिग्री का हमने एंगल यहाँ पे एंगल एम को ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट वन एंगल आर, दिस इज़ द 90 डिग्री, यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के स्ट्रेट, और यहाँ पे ये एंगल आर जब ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री तो ये लाइन, और यहाँ पे जब एंगल एम का 58 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दिस इज द पॉइंट ई। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया है। एक लेंथ हमारा यहाँ पे ओ आर का, लेंथ ऑफ ओ आर 4.4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एम ओ 5.8 सेंटीमीटर, एंगल ओ 105 डिग्री, एंगल आर 90 डिग्री, एंगल एम 58 डिग्री, और ये जहाँ पे लाइन एम और लाइन एन जहाँ दैट पॉइंट इज पॉइंट ई, वो इंटरसेक्ट का जो पॉइंट हमें मिलेगा वो पॉइंट ई होगा। तो इस तरीके से एम ओ आर ई, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए किया गया हमने किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी, डी ई एफ जी ऑफ डी एफ,
तो पहले हम इस क्वेश्चन का एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी। ई एफ जी, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी। लेंथ ऑफ डी ई 4.5, डी ई 4.5। लेंथ ऑफ ई एफ 6.5 सेंटीमीटर जी, 5.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डी एफ, डी एफ दिस इज द डायगोनल, लेंथ ऑफ डी एफ 7.2। लेंथ ऑफ ई जी, लेंथ ऑफ ई जी 7.8। इसे हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जिसमें लेंथ ऑफ ई एफ 6.5, लेंथ ऑफ डी ई 4.5, ये दो डायगोनल ई जी और डी एफ ये दो डायगोनल हैं, एंड लेंथ ऑफ डी जी 5.5 सेंटीमीटर। अब हम एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ बेस ई एफ। ई एफ 6.5 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ डी 4.5 सेंटीमीटर का आर्क हमें ड्रॉ करना है, कहाँ पे? पॉइंट ई पे रख के। तो इस तरीके से रख के 4.5 सेंटीमीटर का आर्क हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज द डायगोनल, लेंथ ऑफ डी एफ इज 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट पे दोनों, यहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द पॉइंट डी। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे और ये यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट ई से जी तक, ये डायगोनल का लेंथ कितना है? 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का आर्क हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, 7.8, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट डी से पॉइंट जी तक का लेंथ 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जब रख के, तो इस तरीके से आर्क हम इस तरीके से 5.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द पॉइंट जी, और ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर का। और बाद में ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे हम टच कर देंगे लाइन के थ्रू, और यहाँ पे ये ई जी, ये भी डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया 7.8, दिस इज द 7.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से द लेटर डी ई एफ जी में थ्री साइड्स के लेंथ दिए हुए थे, थ्री लेंथ दिए हुए हैं, डी जी, डी ई एंड ई एफ के थ्री साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं, दो डायगोनल दिए हुए हैं ई जी और डी एफ, ये दोनों डायगोनल इस तरीके से हमने लेकर ड्रॉ किया है। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।